नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। देश में इन दिनों कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में फिरोजाबाद जिले में भी 10 दिन पहले ऑक्सीजन की किल्लत थी, लेकिन फिरोजाबाद जिले की ऑक्सीजन व्यवस्था थोड़ा लड़खड़ाने के बाद अब संभल गई है। ऐसा इसलिए हो सका है कि सरकार की तरफ से जिले को लगभग 35 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की प्राप्ति हुई है, जिससे अब स्वास्थ्य विभाग राहत की सांस ले रहा है। पूरे देश में ऑक्सीजन का संकट मरीजों की जान के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है, पूरी दुनिया से भारत में ऑक्सीजन भेजी जा रही है, फिर भी पूरी तरह से ऑक्सीजन की कमी की भरपाई नहीं की जा सकी है। इन्हीं हालातों को भांपते हुए जिला प्रशासन ने 1200 सिलेंडर का ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे और कांच उद्योग की ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने के साथ ही खाली सिलेंडर भी जुटा लिए गए थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में अत्यधिक खपत और ऊपर से तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से अप्रैल के अंत में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी। लेकिन अब हालात सामान्य हो गए हैं, जहां जिला अस्पताल के CMS आलोक कुमार मानते हैं कि अब जिले को 2 दर्जन से अधिक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीनें प्राप्त होने के बाद लोड कम हुआ है और हम 40 बेड के इमरजेंसी वार्ड को भी विस्तार कर सके हैं, जिससे मरीजों को परेशानी नहीं होगी। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। इनसे हमें बहुत ही राहत महसूस हुई है। हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर तो अभी भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये एक हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया। हमारे पास एक तरह से कहना चाहिए 3-टायर अरेंजमेंट हो गया, ट्रिपल व्यवस्था हो गई। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, हमारे पास सेंट्रल लाइन है और हमारे पास ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आ गए हैं। अभी बहुत आए हैं? ये इस समय मेरे पास 35 इकट्ठे हो गए हैं और आप देख रहे हैं ये सब जो हैं लगे हुए हैं, रोगियों को लगा रखे हैं, उनसे उनको हम लाभान्वित कर रहे हैं।